सीमांत तहसील धारचूला 15 दिन से उप जिलाधिकारी का पद रिक्त था। अब दीपेश शासनी ने चार्ज लिया है। गौरतलब है कि एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ चीन सीमा से लगा ये संवेदनशील क्षेत्र आपदा के मामले में भी अति संवेदनशील है। दीपेश शासनी ने इस संवेदनशील सीमांत क्षेत्र में संयुक्त मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी ग्रहण की है। उनके पास उप जिलाधिकारी के अधिकार होंगे। उनके पद संभालते ही आपदा प्रभावित लोग उनसे मिलने पहुंच गए। उन्होंने प्रभावितों की अपेक्षाओं के अनुसार काम करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने प्रभावितों से थोड़ा वक्त मांगा, भरोसा दिलाया कि समस्याओं को समझ लेने के बाद पूरी क्षमता से काम किया जाएगा। उनसे मिलने पहुंचे आपदा प्रभावितों ने शिविर में हो रही दिक्कतों से उन्हें अवगत कराया। खोतिला के गांववासियों ने कहा कि उनका विस्थापन शीघ्र किया जाए। स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। दीपेश शासनी ने सभी लोगों से अपील की कि हम सब मिलकर समस्याओं का निदान करेंगे। रिपोर्ट नदीम प्रवेश, पिथौरागढ़। मैडम सर, अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी देखिए सर, हम तो बेनाप में आते हैं और पट्टे वालों के ये हाल है सर। किसी को दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा है, तो हमारी तो बहुत पीछे बात। अभी हमसे यही कहा गया जब तक जियो नहीं आएगा कुछ होगा नहीं। लेकिन सर, हमने इनसे ये कहा कि सर जियो आने तक थोड़ा हमारे लिए सुविधा कर दीजिए। फिर चार ठंडे का मौसम है, बच्चों को नहलाने के लिए गर्म पानी की सुविधा नहीं है सर। वहाँ ओढ़ने के लिए कम्बल दिए, तो बार हमने कहा कम्बल नहीं है, गद्दे नहीं है सर। और इसके अंदर क्या करें, अभी पट्टे वालों का ये हाल है कि किसी को मिला किसी को नहीं मिला। हमारी तो बहुत बात है। मैं सबसे पहले तो काफ़ी थैंकफुल हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली इस एरिया, सेंसिटिव एरिया में आके सर्व करने की। नेपाल बॉर्डर हमारे पास है, आपदा प्रभावित ये क्षेत्र रहता है। तो फर्स्टली जो मुझे अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है, तो सबसे पहले तो जो रिहैबिलिटेशन वर्क होगा, जो पिछली कोतिला आपदा में लोगों के मकान नुकसान हुआ था एंड जो अभी भी शायद आई थिंक यहीं पे हैं, तो हम उनके रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को जितना एक्सपेडाइट करा सकते हैं वो करेंगे। नेक्स्ट चीज़, जितनी भी पीपल हमारे पास आएंगे और जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, जितनी एक्सपीडिशियसली और जितनी फास्ट हम इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं उसी पर हमारा काम रहेगा। बाकी हमारा यही है, मेरी ये होप हो रहेगी कि पब्लिक भी हमें सारे कामों में कॉपरेट करे और हम होपफुली धारचूला में बहुत अच्छा काम करें आने वाले समय में। थैंक यू।